रॉकेट वन। रॉकेट टू। रॉकेट थ्री। हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो सभी को दिवाली का शुभकामनाएं रोबोटिक्स क्रांति की तरफ से। तो आज आपके लाए दिवाली के लिए एक प्रोजेक्ट जो कि आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं, इसको आप अपने खुद के वॉयस के मदद से इसको लॉन्च कर सकते हैं और ये एक एक करके लॉन्च होगा। मतलब आप एक दो तीन करके सभी रॉकेट को आप लॉन्च कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी रॉकेट लगा सकते हैं, लगा के आप लॉन्च कर सकते हैं अपने वॉयस की मदद से। और ये सेफ्टी है क्योंकि ये बहुत दूर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लूटूथ के मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो किस प्रकार से आसानी से घर पे एक दिवाली का रॉकेट हम लोग बना सकते हैं, वो भी वॉयस के मदद से। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई चेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो अभी देख सकते हैं ये जो माचिस के तिल के है, इसके अंदर मैंने कॉयल जो कि वायर का जो जो एक वायर को हम लोग ले लिया है और इसको राउंड राउंड करके इस पर घुमा दिया है। तो जब भी इस वायर पे हम लोग 12 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये माचिस के तिल के जल जाएगा और जलने के बाद इस रॉकेट पे ये इस तरह लग जाएगा। लगने के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। तो जो बॉयस हम लोग इस पर इनपुट करेंगे वो बॉयस हम लोग किस प्रकार से डाल सकते हैं, अगर इसको देखना है तो ऊपर जो आइकन का बटन है इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर वॉयस हम लोग डाल सकते हैं। बहुत ही इजी से मैंने समझाया है, अगर आप इसको देखेंगे एक बार तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा। We'll be right back.
अभी तो आपने देखा है इसको किस प्रकार से हमने बनाया है, और जो हम लोग वॉयस के मदद से ट्रांसफर करेंगे, जो वॉयस ट्रांसफर करने के बाद ये कंट्रोल होगा, तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे जो कि एक हेडफोन की तरह होगा, और साइड में हम लोग इसको लगाएंगे। लगाने के बाद इस माइक्रोफोन के मदद से हम लोग इसका वॉयस ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो आप वॉयस रिकॉग्निशन मॉड्यूल है, इसके साथ हम लोग माइक्रोकंट्रोलर एक कनेक्शन किया है। कनेक्शन करने के बाद ब्लूटूथ के मदद से इसका जो वॉयस का जो प्रोग्रामिंग है उसको ब्लूटूथ के मदद से हम लोग इस पर भेजेंगे। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इस सर्किट पे भेजेंगे, और इसी सर्किट के मदद से ये लॉन्च होगा। एक एक करके जो वॉयस हम लोग बोलेंगे वही लॉन्च होगा। तो अभी चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं इस माइक्रोफोन से मैं बात करूंगा, और ब्लूटूथ के जरिए ये एक एक करके स्टार्ट होगा। तो जो रॉकेट का जो नाम दिया मैंने इस पर वॉयस सेट किया है, उसी नाम पे ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो अभी ऑन हो गया है। तो अभी जो वॉयस हमने इस पर दिया है वही वॉयस हम लोग करेंगे। रॉकेट वन, देखा आपने? तो ये रॉकेट वन अभी स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग जो वॉयस करेंगे दूसरा रॉकेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। रॉकेट टू, तो अभी देखा रॉकेट टू अभी स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉकेट थ्री। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से वॉयस के मदद से हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये जो रॉकेट का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया है और सेफ्टी भी है, क्योंकि आप बहुत दूर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक वॉयस कंट्रोल रॉकेट हम लोग आसानी से बना सकते हैं। दिवाली के लिए हम लोगों को स्पेशल एक जो कि प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं, बना के हम लोग अपने घर पे ये चला सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।